रायबरेली के खीरो कस्बे से तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, खीरो कस्बे में तेज रफ्तार का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुबेनखेड़ा के पास का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित ट्रक सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पे सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पे पहुंची खीरो पुलिस ने आनंद फाना में घायलों को CSC खीरो पहुंचाया, जहां पे डॉक्टर ने उनका प्रथम उपचार शुरू कर दिया है, लेकिन मरीजों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्कार तिवारी पुत्र कुंदन तिवारी 20 वर्षीय और आरिफ पुत्र वारिस 25 वर्षीय निवासी बिहार उन्नाव के रहने वाले हैं, जो किसी काम से खीरो आए थे। जब वह खीरो से अपने निवास बिहार जा रहे थे, तभी खीरो थाना क्षेत्र के दुबेनखेड़ा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय रायबरेली में हो रहा है। आइए, वहां मौजूद डॉक्टर ने क्या कहा, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या हुआ था ये? हमारे यहाँ जो है चोटिल अवस्था में, घायल अवस्था में दो लोग आए थे 108 एम्बुलेंस के द्वारा। एक का नाम जो है आरिफ खान है, दूसरा संस्कार तिवारी, जिनमें संस्कार तिवारी की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उनकी दाहिनी जांघ की हड्डी जो है टूट गई थी और हेड इंजरी भी था, नाक और कान से खून काफ़ी निकल रहा था, जिनका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया और 108 एम्बुलेंस बुला दी गई, जिसके द्वारा वो 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली चले गए हैं। सर, दोनों को रेफर किया गया? हाँ, दोनों को। आरिफ को क्या है कि आरिफ को हेड इंजरी है, इनका CT स्कैन के लिए इनका रेफरल बना दिया गया है, ये भी अपना जो है जिला अस्पताल रायबरेली जाकर के CT स्कैन कराएंगे। ठीक है।